क्या कहा था, आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, अवेशी साहब के बयान को हमने देखा और मुझे आश्चर्य हुआ। वो बैरिस्टर हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, काला कोट पहन के कानून की किताबें लेते हैं। ये भारत संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तुष्टिकरण से नहीं चलेगा। ये काम नेहरू अगर आजादी के बाद आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा किए गए अन्याय की जांच शुरू करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति की और हिंदू और मुसलमानों में खाई पाटने का काम किया। और अवेशी कोर्ट पर भरोसा रखे, धमकावे, डरावे, दबाव न डाले, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करे। देश कानून से चलेगा, अभी ज्ञान मापी का मामला कोर्ट में है। गौरव भाटिया भी हमारे साथ, जल्दी से उनके रिएक्शन ले लेते हैं। गौरव भाटिया, देखिए अब ओवैसी साहब जो कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इससे माहौल बिगड़ रहा है? और जिस तरीके की बातें, क्योंकि अभी पूरा मामला कोर्ट में है, हिंदू पक्ष जिस तरीके से सामने आकर अपनी बातें कह दे रहा है, जिस पर देखिए आज कार्रवाई, ये एक शख्स को हटाया भी गया, आपको लगता है कि अभी इसको थोड़ा और सीक्रेट रखना चाहिए? मामला कोर्ट में है, इतनी प्रतिक्रियाएं नहीं आनी चाहिए, किसी की भावना को नहीं भड़काने देना चाहिए? नहीं अर्पिता जी, ओवैसी जी का तो ये चरित्र है कि उनको जब सूट करता है, सुविधाजनक होता है, तो वो कहते हैं संविधान संविधान संविधान। और जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है राम मंदिर पे, तो उनको शरिया कानून याद आ जाता है। हलाला और बहुविवाह और हिजाब पे स्कूल में पहनना है या नहीं, तो उनको अपना धर्म याद आ जाता है। लेकिन अब जब बात हो रही है न्यायालय में और उनके विपरीत फैसले आ रहे हैं, तो वो संविधान की बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। देखिए, ये सीए का कानून जब पारित हो रहा था, उन्हें चर्चा करनी चाहिए थी। वो सांसद हैं, तनख्वाह लेते हैं लोगों से वो, लेकिन वो सीए का बिल फाड़ रहे थे और कह रहे थे कि देखो मैं फाड़ दूंगा बिल को, मैं चर्चा नहीं करूंगा। अब ये कैसा सांसद है जो चर्चा से दूर भागता है और तब बिल फाड़ देता है और आज कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट का कानून है। दूसरा ये देखिए, ये क्या है, जब राम मंदिर का फैसला आया तो ओवैसी जी का ट्वीट है, वो क्या बोले, उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद थी इंशाअल्लाह। तो मतलब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो आया था, ओवैसी जी आपने संविधान की शपथ ली थी। गौरव भाटिया, आप सर्वोच्च, यहाँ पर देखिए जो आरोप लग रहे हैं आप पर, वो भी मैं पूछूं। यहाँ पर राजनीतिक दल सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हम भी थोड़ा डिबेट से भटक सकते हैं इस सवाल के साथ, लेकिन मैं चाहूंगी एक जल्दी से आपसे सवाल ले लूं क्योंकि अधूरा सा लगेगा। यहाँ ये आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि जब से आपकी सरकार आई है, अब सीधी से रणनीति आपकी हिंदू मुस्लिम बांटो वाली हो गई है और जो असल मुद्दे हैं उससे आप लोग भटका देते हैं इस तरीके की बातें करके, इस पर आपका जवाब फिर आ रही हो सर? अर्पिता जी, इस पे मेरा जवाब वही है जो हर हिंदू का होगा। ये कोई डिफेंसिव होने के लिए या मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन दूं, नहीं। जहां जहां गलत हुआ, आक्रांताएं हुई, लुटेरे आए, औरंगजेब हो या मुगल सल्तनत के, जिनको ये राजा मानते हैं हम उनको भिखारी मानते हैं, कानून का सहारा लेके एक एक ऐसा मंदिर जो तोड़ा गया या स्थान जिसपे मस्जिद बनाई गई, हिंदू अपना पक्ष रख के उस पर न्यायालय में फैसला हो, यही न्याय संगत है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सर, मैंने आज सर, का तो मैंने बहुत जागरूक है, सवाल बहुत दृढ़ निश्चय वाला है। कहा कि इसमें भी मैं हिंदू तरीके से ही जवाब दूंगा, ठीक है सर, मैं आ रही हूँ, जल्दी जल्दी से एक आखिरी कमेंट ले लूँ, मेरे पास समय की थोड़ा अभाव है सर, मैं आ रही हूँ, मुझे शर्म नहीं है इस बात। देखिए, जिस तरीके का नैरेटिव इस समाज में फैलाया जा रहा है, मैं उस पर एक कमेंट अपना भी अपनी तरफ से कर रहा हूँ। औरंगजेब का एक पक्ष तो आपने देखा कि बनारस जो था औरंगजेब के बादशाहत काल में, ये इसके यहाँ के सूबेदार थे जय सिंह, मान सिंह के लड़के, जय सिंह ने ही इस मंदिर को तोड़वाया था। और उसके बाद जब उनके परिवार के लोगों ने उनको कोसना शुरू किया, तो आदि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर वहाँ मंदिर के, आप ये मानते हैं कि नहीं औरंगजेब आक्रांता था? सुनिए, ये मानते हैं कि नहीं? दूसरी चीज, और सर मेरा सवाल, सर देर एक सेकंड, एक रुकिए, नहीं नहीं आपकी बात, सर मेरी बात कभी तो आंसर कीजिए, छोड़िए मेरा सवाल, सीधा बहुत सीधा सा सवाल, औरंगजेब को आक्रांता मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं सर, मेरा सीधा सवाल। हम उनके
औरंगजेब आक्रांता था, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन दूसरा ठीक है, ठीक है सर, पक्ष भी देखिए ना, औरंगजेब के बनाए हुए जंगमबाड़ी मठ में योगी जी क्यों जाते हैं पूजा करने के लिए, ताम पत्र लगा आज भी है, वो औरंगजेब का दिया हुआ है लिंगायत समुदाय। महंत जी एक मिनट कहने दी, जैसा कि अभी लोग कह रहे हैं कि हमें गंगा जमनी तहजीब, तो गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, तहजीब भी हमारी है। दुनिया में हमसे बड़ा कोई देश सहिष्णु नहीं है, जहाँ अगर रहता तो हमने सबको अपने समय समाहित कर लिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि खलबट्टल में विभिन्न मसाले डालते कूट पीस कर मिला लेते, उसमें पता नहीं चलता है, सबको मिला है हमने। दूसरी चीज, अगर इनकी बातें मानिए तो आप सही, न्यायालय सही है, इनके पक्ष में ना जाए तो न्यायालय सही नहीं है।